अच्छा जी, कुछ देर के अंदर यहाँ पर मैजिक शो शुरू होने वाला है, जो सारे बच्चे जल्दी से स्टेज के पास आ जाएंगे और कुछ ही देर में यहाँ पर हम मैजिक शो करने वाले हैं। अच्छा, जो बच्चे वांटेड हाउस में जाना चाह रहे हैं वो जल्दी से चल जाए, क्योंकि लास्ट सेशन है उसका। वांटेड हाउस में कोई भी जाना चाहता है वो कार्निवल था तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और देखिए ये बच्चे जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ख़रीद के लाए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम नाश्ता वगैरह करके गए थे तो कुछ भी नहीं खाया। ये स्टिकर्स लिए बच्चों ने, ये हल्क वाले स्टिकर्स हैं दाऊद के, और ये दाऊद ने अपनी मर्जी से लिए। ये फ्रोजन वाले हैं, डॉल वाले अलग के स्टिकर, यस। और ये क्या है दाऊद, दिखाओ। ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ये पानी में डालेंगे तो बड़े हो जाएंगे। अभी इसको डालते हैं पानी में। और एक दाऊद ने ये लिया है, ये दाऊद कब से बोल रहे थे मम्मा मुझे दिला दे क्यूबिंग क्लासरूम। ये अच्छा होता है, बच्चों का थोड़ा सा माइंड भी इससे शार्प होता है। एक मिनट, ये अब ये दाऊद आपने सीखना है कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो आओ उसको पहले पानी में डालें। एक मिनट, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, इसमें पानी निकाला है, शीशे के उसमें निकाल दी ना तो वो तोड़ देते। तो मैं एक मिनट खोलती हूँ। थोड़ा थोड़ा, दोनों दोनों, एक मिनट ले लो। अलाया डालिए, डालियो, वेरी गुड, डालिए। बहन को भी दो, बस हो गया। अब इसको डाल के छोड़ दो थोड़ी देर, फिर ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद देखना इसको, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। वहां रख देते हैं डाइनिंग पे, यहाँ पे रख देते हैं इसको, थोड़ी देर बाद देखेंगे। सही है, ये बड़े हो जाएंगे, सही है? सही लाया, बड़े हो गए। पता नहीं, मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज है संडे, अच्छा आप नहीं खोलो, मैं आती हूँ, चाहिए? तो आज है संडे, संडे के दिन हमारी क्या रूटीन होती है वो मैं आपको बताऊँगी। आज मैं देर से सो के उठी हूँ, क्योंकि आज ही का दिन मिलता है देर से सो के उठने के लिए। 12:30 बजे मैं उठी हूँ, अभी मेरे हस्बैंड गए हैं हलवा पूरी लेने, और संडे को मेरी आती है हलवा पूरी। तो आज हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। खाने में मैंने कल पुलाव बनाया था, वही रखा है, तो आज वही हो जाएगा। लेकिन कुछ इसमें आती हूँ मैं, तो जो है आज स्नैक्स में मैं क्या बनाऊँगी कुछ, तो वो मैं देखती हूँ, ठीक है? फिर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर बाद में। और यहाँ वाजिद जो है हलवा पूरी लेकर आ गए थे, और मैं यहाँ पे हलवा पूरी निकाल ली थी,
और हमारा जो संडे वाला नाश्ता होता है ना वो थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक संडे वाला दिन होता है जो मुझे सोने के लिए मिलता है सही से, तो मैं संडे को जो है ना काफ़ी लेट उठती हूँ 12-12:30 बजे तक। और रात में क्योंकि मैं देर से सोती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ और मैं व्लॉग्स वगैरह देख रही होती हूँ लोगों के जिनके मैं देखती हूँ, तो इस वजह से रात में मैं देर से सोती हूँ, तो इस वजह से सुबह फिर देर से उठती हूँ। और मेरे दाऊद को जो है हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो संडे का वेट करता है कि कब संडे आएगा और हम जो है ना हलवा पूरी खाएंगे। और मैं एक ही जगह की हलवा पूरी खाती हूँ, मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक्चुअली यहाँ की बचपन से खा रही हूँ हलवा पूरी ना, जब मैं छोटी थी जब भी मैं यहीं की खाती थी और आज भी मैं यहीं की खाती हूँ। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को हलवा पूरी बहुत पसंद है। वैसे और भी जगह की हम खाते हैं, जैसे हमारे करीब इलियास है, हाफिज़ है, वहाँ की भी हलवा पूरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये एक VIP हलवा पूरी के नाम से है, इनकी हलवा पूरी भी बहुत मज़े की होती है। तो ये देखिए देखने में कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो चलें हम आज का अपना नाश्ता करते हैं फिर। ये देखो भाई, दाऊद की हमने ट्रेन निकाली है, जो दाऊद के बाबा ने दाऊद को सेकंड बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, और अब हमने निकाली जब दाऊद 5 ईयर्स के हो गए। और 1 घंटे की मेहनत के बाद ये मैंने जोड़ ही दी। बहुत मुश्किल थी क्योंकि इसमें कुछ भी बुक वगैरह नहीं दी हुई जोड़ने के लिए, लेकिन मैंने 1 घंटे से लगे 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 ये फाइनली रेडी हो गई। अभी हम इसके सेल मंगाएंगे, फिर इसे हम चलाएंगे, सही है? ठीक है, ठीक है। हम लोगों के चक्कर में मेरा किचन भी नहीं साफ हुआ ये लगाने के चक्कर में। अभी ये टूटना नहीं चाहिए दाऊद। ठीक है मम्मा। बहुत मुश्किल से जुड़ी है ये, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह बनेगी। फिर मेरा दिमाग चला कि यहाँ पे ना ये इस तरीके से बताया था कि बनेगी, लेकिन इसमें 4 सीधी हैं, बाकी कर्व में हैं, 2 ये ट्रैक चेंजर हैं, तो ये बहुत मुश्किल से बनी है। फाइनली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बड़ी खुशी हो रही है ये मुझे बना के। अभी इसको चलाएंगे ना, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। चलो जी, इसकी बैटरी आ गई है, अभी इसकी बैटरी लग रही है यहाँ पर। चली ऑफ करें, हाँ लगाएं। बच्चों के साथ साथ मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है। चलो भाई चल गई ट्रेन, स्मोक भी निकल रहा था। ये देखो पटरी चेंज करें। ये दाऊद की सेकंड बर्थडे का गिफ्ट था ना। चलो भाई, अलाया और दाऊद की ट्रेन जा रही है, दाऊद का सामान जा रहा है, ये कोयला जा रहा है, ये लकड़ी जा रही है, इसमें दाऊद और अलाया बैठे हैं अंदर। ट्रैक चेंज करें, वहां से भी कर दिया। अब ये सीधी, अब आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की सब्जी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में सब्जियां बहुत मज़े की आई हुई होती हैं। आलू भी नया है और मटर भी आपको पता है सर्दियों में आते हैं, तो आलू और मटर की सब्ज़ी जो है ना सर्दियों में बहुत मज़े की बनती है। चलें तो बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है, ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी। ये मेरे पास एक छोटी प्याज है, देखिए मैंने इस तरह इसको फाइन चॉप कर लिया, ये मैं इसको डालूँगी।
ये थोड़ी ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं इसमें बाकी के जो है ना वो डालूंगी मसाले। अच्छा देखें यहाँ जो है ना ये प्याज मेरी देखें इस तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये मेरे पास लाल काली साबुत मिर्च है, ये वैसे ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, वरना मुझे पसंद है ये आलू मटर की सब्ज़ी में, तो इसलिए मैं ये डालती हूँ, मुझे काली मिर्च खाना पसंद है, ये मैंने डाल दी। ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे वरना प्याज हमारी जल जाएगी। एक टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, ठीक है, और इसमें जाएगी ये लाल साबुत मिर्च, ये भी बहुत मज़े की लगती है जब आप उसको तोड़ के खाएं तो। ठीक है ये चली गई इसमें, फिर इसमें हम डालेंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये चला गया, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे, इस भगार की ना इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, और मुझे इस वक्त फ्लू हुआ हुआ है, आपको पता है इतना मौसम, आपको पता है जैसे ठंड आना शुरू हो गई है हमारे कराची में फाइनली, तो मुझे फ्लू हो गया है। पहले अलाया को हुआ, अलाया के बाद मुझे हुआ, अभी तक मैंने बच्चों को भी जो है ना गर्म पानी से नहलाना शुरू कर दिया क्योंकि मौसम बहुत जो है ना ठंडा हो गया है, इतना ठंडा मतलब मौसम नहीं हुआ लेकिन पानी जो है ना बहुत ठंडा होता है नहाने में। अच्छा देखिए ये हो गया है हमारा, फिर अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे ये आलू, आलू में मैंने पानी डाला हुआ है। अच्छा ये आलू में मैंने पानी डाल के रखा था, ये नए आलू है, ये देखें आप, ये इसको जो है ना सिर्फ हल्का सा खुरचना पड़ता है, बाकी ये बहुत बहुत और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इन आलू का, और मैंने इसको गोल गोल कतलियों की तरह नहीं काटा, बीच में से हाफ कर लिया, ठीक है, तो इस शेप में मैंने इसको काटा क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस शेप में पसंद है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है अब इसको डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखो ये खुशबू आती है ना ज़बरदस्ती। ठीक है अब इसके बाद मेरे पास है ये फ्रोज़न मटर, मैं मटर जो है जैसे आ जाते हैं तो मैं एक एक किलो डेढ़ डेढ़ किलो जो भी होता है ना छील के और इसको पीस करके रख लेती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है ना, कभी कुछ नहीं होता तो हम मटर पुलाव वगैरह दिन में बना लेते हैं, तो ये एक प्याली भर के जो है ना ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है इसको मिक्स करेंगे, इसको दो तीन मिनट जो है हम ऐसे ही भूनेंगे। ठीक है ये देखते हैं, अच्छा इस सब्ज़ी में पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये नए आलू हैं नए मटर हैं, तो ये यूं ही भाप में समझे आप गल जाते हैं 10 से 15 मिनट में। अच्छा अब दो तीन मिनट मैंने इसको ऐसे ही भूना है। अब मेरे पास ये देखें छोटे साइज़ के टमाटर थे तो मैंने तीन ले लिए, अगर आपके पास बड़े साइज़ के तो आप दो ले लें। ठीक है तो ये मैंने इसमें डालना है, इसको डाल के इसमें भूनना है। अब इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डालें, मैं अपने हिसाब से डालूँ जितना आप स्पाइसी खाते हैं, तो मैं तकरीबन 2.5। ठीक है ये इसमें चली गई, और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी तकरीबन इतनी, इससे कलर जो है ना वो बहुत प्यारा आता है, ये देखें बस कलर हल्दी चली गई। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं तकरीबन इसमें ये देखें इतना 2 टीस्पून, ठीक है ये डाल दिया। अब इसको डाल के अच्छे से भूनेंगे, ये देखो मसाले डालते हैं इस पर क्या जो है ना शक्ल, इसमें रेड येलो ग्रीन कितने खूबसूरत कलर, सब्जियां तो इतनी मज़े की आती है ना सर्दियों में, गर्मियों से ज़्यादा जो है ना, वैसे गर्मियों की अपनी सब्जियां होती हैं वो भी बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन सर्दियों की जो तो सब्जियां होती हैं जैसे गाजर है मेथी है शलजम है मटर है नया आलू है और बहुत सारी होती हैं, आप बताएं कॉमेंट्स कर कर के और कौन सी होती हैं। और ना ये जो है ना ये मैं बना रही हूँ, अच्छा मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था संडे को, मैंने आपसे बोला था कि मैं कोई ऐसा मतलब स्नैक बनाऊंगी लेकिन मैं नहीं बना सकी थी संडे को, आज है मंडे क्योंकि मुझे जाना था शादी में, तो मैं आज जो है ना ये बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, तो ये मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स करा, और थोड़ा सा इसको जो है ना इस फ्लेम पे देखें, बहुत तेज़ नहीं है ये मीडियम फ्लेम है, इसको हम ऐसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट,
फिर हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और ये बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा ये जो है ना ये ऑप्शनल है, मैं इसमें चिकन क्यूब है ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। तो ये मैं ना इसमें थोड़ा सा ये इस तरह से हाफ से भी कम लेके जो है ना इस तरह मैश करके डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है सब्ज़ी का। ये देखिए बस ये इतना मैंने डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बस अब इसको ढक देंगे और ये 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये हमारी हो जाएगी। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसमें स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये अपने जो भाप बनती है ना इसमें ये इसी में गल जाएगी, ठीक है। अब जब ये हो जाएगी ना फिर इसके साथ हम पराठे बनाएंगे और इसको खाएंगे। पराठे में बिना बल वाले बनाऊंगी, सादे बिल्कुल, ठीक है। बस ऊपर से घी लगा के और फिर उसके साथ हम सर्व करेंगे और ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, आप सुबह नाश्ते में भी इसे खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा मैं इसमें जो है ना एक चीज़ डालना भूल गई थी और इससे जो है ना बहुत मज़े की खुशबू आती है, ये है कलौंजी। ये लाजमी आपने इसमें डालनी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। बस इतनी इसको मिक्स करेंगे। ये देखें ये तकरीबन हमारे आलू होने ही वाले हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए। ये मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और ये हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए बस। अच्छा जनाब यहाँ तकरीबन 15 मिनट्स मुझे और लगे थे और मेरे मटर और आलू दोनों अच्छे तरीके से गल गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ कट कट के डाली और कोरिएंडर डाला फ्रेश, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, मेरा रखे रखे थोड़ा सा ड्राई हो गया था। बस ये थी मेरी आज की एक छोटी सी रेसिपी और व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।